नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के बाद क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। नए नियमों के अनुसार SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट। कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी ये नियम 15 अप्रैल 2024 से होगा लागू। हरियाणा में ओलों के साथ बारिश से बदला मौसम का मिजाज। 12 घंटे में 5 जगह पर बिगड़े हालात। 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। वहीं ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को भी पहुंचा भारी नुकसान। किसानों की बड़ी परेशानियां। हरियाणा के हिसार में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन। हांसी की नई अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में CM नायब सैनी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस बात के बारे में बताना होगा कि हांसी के लोग तीसरी बार भाजपा का कमल खिलाने को तैयार हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपना उम्मीदवार बनाकर रणजीत चौटाला को उतारा है मैदान में। हरियाणा के अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में लापरवाही का मामला आया सामने, जिसकी शिकायत हरियाणा के गृह मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सौंपी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिविल अस्पताल की 3 नर्सिंग अधिकारियों ने वीडियो कॉल पर डॉक्टर को रख महिला की करानी चाहिए डिलीवरी। इस बीच बच्चा गर्भ में ही मर गया और पत्नी की बच्चेदानी डिलीवरी के दौरान फट गई। पीड़ित पति ने न्याय की लगाई गुहार। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र ने सोसाइटी की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। घटना के पहले 17 वर्षीय बेटे को मां ने डांटा था, जिसके बाद वह गुस्से में आके बालकनी में खड़ा हो गया, जिसके बाद उसने बालकनी से लगा दी छलांग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जाँच। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, बाद में उन्हें ही पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग होकर निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का है। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया। गहलोत सुबह 11:30 बजे ED दफ्तर पर पहुंचे। यहां सुरक्षा के बीच घंटों चली पूछताछ। वहीं आपको बता दें कि गहलोत नजफ्फरगढ़ से आपके विधायक हैं और केजरीवाल सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री का संभाल रहे हैं पदभार। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होगी इंडिया गठबंधन की रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे 26 दलों के नेता। लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। रैली को लेकर नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का लिया निरीक्षण। बता दें कि इस दौरान कड़ी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब के पठानकोट में एक ढाबे पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें ढाबे पर बैठे 2 युवक बुरी तरह से हुए जख्मी, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए करवाए गए भर्ती। हमलावरों की संख्या करीब 5 से 7 बताई जा रही। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर शुरू की जांच। आसपास लगे CCTV कैमरों को भी खंगालने में जुटी पुलिस टीमें। आम आदमी पार्टी के जलालाबाद से विधायक गोल्डी कंबोज को विदेशी नंबर से फोन कर BJP ज्वाइन करने के बदले 25 करोड़ का ऑफर देने वाले पर पुलिस ने दर्ज की FIR। विधायक की शिकायत पर जलालाबाद थाना सिटी पुलिस ने सेवक सिंह नाम के व्यक्ति पर दर्ज किया केस। वहीं इस मामले में जांच के लिए विजिलेंस को भी लिखा गया, ताकि इससे जुड़ी सारी सच्चाई आ सके सामने। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें सच को हिंदी चैनल।